हेलो फ्रेंड्स, मैं आशालता लिविंग नेचर से। आज हम एक फर्टिलाइजर आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत ही इफेक्टिव ये फर्टिलाइजर है। आप लोग ऐसे फेंक देते हैं तो ये मत फेंकिए। एक प्लांट पेड़ पौधा के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। तो चलिए ये फर्टिलाइजर क्या क्या हम यूज कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओनियन का छिलका, ये छिलका आप लोग फेंक देते हैं तो ये मत फेंकिए। ये प्लांट पौधा के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, आयोडीन, आयरन, इतना कुछ होता है। तो ये मत फेंकिए, प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम ओनियन का छिलका सुखा के रख दिया, तो ये हम प्लांट के लिए यूज करेंगे। अगर आप आर्थ वर्म यूज नहीं कर रहे हो तो ऑनियन के छिलके को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनाने के लिए ये ऑनियन छिलका है। और ये जो सॉइल को मॉइस्चर को होल्ड करने में ऑनियन स्किन बहुत हेल्प करता है। तो सोचिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा है, कितना प्लांट के लिए इफेक्टिव है। ऑनियन स्किन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में बहुत इफेक्टिव होता है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं जो ये मत फेंकिए, ये प्लांट पौधा के लिए रख दीजिए और सुखा के इसका एक पाउडर बनाइए। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक सेल आप लोग फेंक देते हैं सब, तो ये मत फेंकिए, ये प्लांट पौधा के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा सोर्स कैल्शियम का, तो प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा है। तो हम देखिए फ्रेंड्स, ये सब सुखा के रख दिया और थोड़ा तोड़ लिया, तो ये भी हम पाउडर बनाएंगे। ये जब प्लांट पौधा में दीजिएगा तो ये भी बहुत हेल्थी ग्रोथ आ जाएगा। और ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी है, तो इसलिए ये एक सेल्स को मत फेंकिए। तो देखिए, ये अनियन सिल्का और एक सेल्स, ये सब हम एक ही साथ पाउडर बनाएंगे और हम इसके साथ मिलाएंगे जो चाय पत्ती भी अब लोग सब फेंक देते हैं, तो ये मत फेंकिए, ये ऐसे रख दीजिए और थोड़ा सूखा के लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सूखा लिया, तो सूखा के रख दीजिए। जो चीनी मिला के चाय बनाते हैं वो थोड़ा धो लीजिए, और नहीं तो जो लोग चीनी नहीं मिलाते हैं तो ऐसे ही सूखा लीजिए। तो देखिए, ये सूख गया। और चाय पत्ती भी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक रखता है, तो ये बहुत अच्छा खाद भी है। तो ये हम तीनों चीज एक ही साथ हम पाउडर बना के ये हर प्लांट में डालेंगे। तो इसलिए एक मिक्सी लिया, थोड़ा थोड़ा करके हम पाउडर बनाएंगे, सब एक ही साथ बनाएंगे करके। और फ्रेंड्स, जानते हैं जो चाय पत्ती में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं और टैनिक एसिड होता है, जो सॉइल को क्वालिटी को बढ़ा देता है, तो इसलिए इसको मत फेंकिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हम पाउडर कर लिया और बाकी जो है ये भी पाउडर कर लेंगे। पत्ती भी डाल देंगे, सब एक साथ पाउडर कर देंगे। तो
तो फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइजर हम बनाया ये हर पेड़ पौधा में डालिए फ्रेंड्स, अरे बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसा करके बनाइए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा देने से बहुत अच्छा प्लांट के लिए। ये गुलाब में फूल ज्यादा खिलेगा और एक सेल्स रहने के कारण से यहीं पर जो स्नेल का जो ये होता है वो नहीं आएगा। हर पेड़ पौधा में दीजिए। थोड़ा सा देने से हो जाएगा। पानी देने से ये भीतर चला जाएगा। घास सब ढके फेंक दीजिए। जब अब ये पूरा रख दीजिए और जब हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके ये पाउडर बना लीजिए। ऐसे भी पाउडर बना के आप लोग रख सकते हैं, तो ये भी बहुत दिन चलेगा। सूखा के और पाउडर बना के रख दीजिए। फिर थोड़ा सा देने से हो जाएगा। हर पेड़ पौधा में डालिए। ब्रिंजल प्लांट में भी देंगे, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, बहुत अच्छा। ये चिली प्लांट में